दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीपीएड और एमपीएड के एडमिशन के बारे में बात करेंगे। डीयू की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गई थी और उसका एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया, लेकिन जो दोस्तों सेकंड मेरिट लिस्ट आई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब हम डीयू डीपीएस वाली वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे नोटिसेस आपको दिखेंगे, जैसे कि किसी भी इस पर क्लिक करके हम देख सकते हैं। ये नोटिस है 24 दिसंबर 2021 का। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसकी डेट को एक्सटेंड करके 28 दिसंबर कर दिया गया है। 3 बजे तक आपको अपना फीस का पेमेंट करना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि सेकंड मेरिट लिस्ट है कहाँ, वो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो ऐसी कोई लिस्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिलेगी, ठीक है। बहुत सारे नोटिसेज हैं, आप खुद भी खोल करके इन्हें देख सकते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स ने देखा भी होगा, जैसा कि मैं आपके कॉमेंट्स को पढ़ रहा हूँ। तो इससे क्या हुआ है, बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है स्टूडेंट्स के माइंड में कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, और ये जो नोटिस आया है ये क्या है, मतलब एडमिशन होगा नहीं होगा, ये बहुत ही डाउटफुल है। इसके अलावा अगर हम डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, जो कि एडमिशन वाली वेबसाइट है, यहाँ भी आप देखेंगे तो बीपीएड का ऐसा कोई नया नोटिस नहीं है जिसमें कि पूरी लिस्ट हो, इनमें स्टूडेंट्स के नेम भी शो किए गए हों। इसी तरह से एमपीएड की ये जो आपको नोटिस दिख रहा है, यहाँ भी कोई ऐसी लिस्ट नहीं है जिसमें कि उन स्टूडेंट्स के नेम हो। अब जबकि यही नहीं पता कि सेलेक्टेड स्टूडेंट्स कौन से हैं, आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तो आगे का प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा, तो ये एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है। और ये यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस पर, आईजीआई पेस कॉलेज का जो एडमिशन का पूरा प्रोसेस है उसकी ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़े करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो भी एडमिशन लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश की गई है वो डाउटफुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जिन भी स्टूडेंट्स का नेम है वो सब साफ साफ लिखा होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स आगे क्या कर सकते हैं, तो देखिए आप कंसर्न्ड अथॉरिटीज के कांटेक्ट में रहें। डॉक्टर सरिता त्यागी, जो कि एडमिशन इंचार्ज हैं बीपीएड और एमपीएड की, उनका नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और दूसरी जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं उनका नंबर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आप इन लोगों के कॉन्टेक्ट में रहें, इनसे पूछें कि ऐसा क्यों है। दूसरी बात, आप ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहें। और तीसरी बात, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को दोस्तों लॉगिन करके टाइम टू टाइम चेक करें कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके स्टेटस में कोई बदलाव आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत जल्द आपको एक नई लिस्ट देखने को मिल सकती है जिसमें उन सभी स्टूडेंट्स के नेम होंगे जिनका सिलेक्शन हुआ है, ऐसा कंसर्न्ड अथॉरिटीज का कहना है। तो देखते हैं हम वेबसाइट पर वो लिस्ट कब पब्लिश होती है, हो सकता है कि मंडे तक वो लिस्ट आ जाए।